तो हमारे होमस्टे से नज़ारे कुछ ऐसे थे। आज कहाँ जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। हम कहाँ पर हैं बताओ? ईगो वैली में फिशिंग के लिए आए हैं। जो हम नहीं खाएंगे, हम खाएंगे। ये खाएंगे, इनके लिए आए हैं हम, और घर के लिए लेके भी जाने हैं। एक किलो लेके जाना है। तो हम बसार से निकले थे 2 घंटा पहले, और गाड़ी से हम यहाँ पे पहुँचे। हमको करीबन रोड से लग गया ना 2 घंटा। कितना किलोमीटर हुआ? 36। आप मच्छी पकड़ने आते हो यहाँ पे हमेशा? नहीं नहीं क्यों? बहुत दूर है ना। कहाँ से पकड़ते हो फिर? अपने वहाँ से। अंकी कहाँ जा रही है तू? स्पीति, स्पीति जा रही है ना? मैं स्पीति जा रही हूँ, ये बीच पे जा रही हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं दिल्ली जा रही हूँ। ईगो वैली में हम आए थे इस गालो ट्राइब को और बेहतर जानने। Annually they collect here for traditional fishing called Rilen Monam. हम लोग का एग्जांपल ये में इधर कहता है, उसमें ट्रैप मच्छी को यहाँ ट्रैप किया जाता है। अच्छा, यहाँ से मच्छी जो घुस गया ना, if it is enter inside then definitely it can't able to get in, they enter to this position and when it is a pool then definitely we release this one. यहाँ पे जो पॉइजन यूज कर रहे हैं ना, this is एक थ्री, इसको हम तनर बोलते हैं, तनर का बार्क को छील के उसको मार देते हैं। The locals intoxicate fishes using a herb from the tea bark which is set at a higher point in the river. The medicine slowly gets dissolved into the water, making the speed of the fishes slow. And at the other end, people stand still, all set to catch them. नहीं पकड़ी, मछली पकड़ी। 1.5 घंटे से मेहनत, ये लड़की सुबह से हमारे को 7 बजे से इसने उठाया कि मछली पकड़नी, और क्या बोल रही है? नहीं पकड़ी, एक भी। मैं मछली नहीं पकड़ती। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, उसे दूर नहीं करना। इनको देखो बस। Just saw this traditional community fishing. Now they try to do it ethically. Now we're heading towards community lunch. Alduro. चिली कितने का है? 50 का चिली। ये इसमें चावल है? आप क्या बेच रहे हैं? पाउंग, काला पाउंग कितने का है? 300। प्लास्टिक ग्लास नहीं है ना आपके पास? अच्छी बात है, अच्छी बात है। डोंडाई हाँ। वो क्या करते हैं? वो जो पूजा पाठ करते हैं, जो बीमार होगा उसको ठीक करते हैं। आप कितने साल के हैं? मैं अभी 74। Now heading to a village called कामदाग। I think जो शानदार व्यू यहाँ से आ रहा है वो हमें कहीं से नहीं मिलता। बसार डेफिनेटली एक फीलिंग है। आई एम स्टैंडिंग एट अ प्लेस विच इज फुल ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड दिस मैन कॉल्ड इगम बसार हैज थॉट ऑफ वाटर कंजर्वेशन थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्विंग ऑर्चिड्स राइट हियर इन बसार इन अरुणाचल प्रदेश एंड ही हैज बीन एब्सोल्युटली सक्सेसफुल इन प्रिजर्विंग the varieties of orchards which are in the highest number in Arunachal Pradesh, around 55 I suppose. This is the nursery where he basically preserves and nurtures the seed which ultimately grows into saplings and are planted in the jungles. So basically EB project is a water conservation project where Igam Basar has made rainwater harvesting pits on top of a hill, and there he collects all the water which goes underground. The scarcity of water which used to be there in the villages earlier is not anymore. So moving on from the conservation aspect of Basar to the cultural aspect of it, we are here to see the traditional sports. तो मेरे साथ है आर्टिस्ट लिमी। ये जो सारी पेंटिंग्स हैं इन्होंने बनाई हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल स्पोर्ट हमने पार्टिसिपेट कुछ भी नहीं करा, थके हम ऐसे उसको देखकर, थककर हम गोरी विलेज में निकल आए और किसी लोकल के घर पे चाय पी और अभी
एक और लोकल दोस्त के घर पे मैगी खा रहे हैं, लेकिन आज हम मैगी नए स्टाइल में खाएंगे, मैगी विद राइस। बसर में चेंजेस मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, तो बसर में कितना टाइप क्या चेंजेस आए हैं? जैसे बिफोर जीआरके बस्ती में ओपन डेफिकेशन स्टेटस नहीं मिला था, अभी वी आर इन ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज। गैम्बलिंग बस्ती पे ओपन नहीं होता था, इस पे हमने बैन लगा दिया है। प्लास्टिक भी बहुत जगह कम लोग यूज करते हैं, डस्टबिन में सिर्फ इतना ही प्लास्टिक मुझे नजर आता है। बास्कन हो रहा है वहाँ पे भी देयर्स नो प्लास्टिक। इनके पिताजी जो थे वो बहुत बड़े शिकार थे और मेरे पिताजी थे वो भी बहुत बड़े शिकार थे। एक दिन हमारे उनके पीछे शेर आ गया, अब शेर आ गए इनके पिताजी उनके पीछे, मेरे पिताजी इनके पिताजी, शेर आ गए पिताजी पीछे, उनके पीछे पिताजी। तो अब थोड़ी देर बाद ये हुआ कि शेर मेरे पिताजी के पीछे, आपके पिताजी आ गए। तो शिकारी बहुत बड़े थे इसलिए, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहे थे, इसलिए शेर और शिकारी गोल गोल घूम रहे थे। Basar and Basar ke log won't fail to give you a plate full of rice and memories. Pujo. And with that, our Basar journey comes to a happy Poka ending. आगे, थैंक यू। आपकी भाषा में थैंक यू को क्या बोलते हैं? अलरुदो। अलरुदो? अलरुदो? आप भी बोला वेलकम। हाँ हाँ वेलकम। अरे आपकी भाषा में बोलो। अलरे। अल्तमाबे।